हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बुटे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नेट वाली ब्लाउज में बैक नेक का डिजाइन। तो इसके लिए फिर मैं तो ब्लाउज का कटिंग कर ली हूँ। तो इसमें हम साटन का अस्तर लगा रहे हैं। आप इसमें अगर आपको साटन में एक और नॉर्मल अस्तर लगाना है वो भी लगा सकते हैं, या सिर्फ नॉर्मल अस्तर भी लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज का कटिंग तो हम कर लिए हैं पहले से। तो इसका मेजरमेंट इस तरह है। तैयार हमको 15.5 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 16.5 इंच में कटिंग किया है। शोल्डर का कटिंग ये 7 इंच में किया है, और 3 इंच का, 3 इंच का हम गले के लिए, गुलाई के लिए, गले का जब कटिंग करेंगे उसके लिए निशान लगाएँ। 1/2 इंच का तीरा दिए हैं। आर्म होल का कटिंग 6.5 इंच में किए हैं। तो ये हमारा 40 का चेस्ट है, तो 10 इंच में हम चेस्ट का निशान लगाए हैं, और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। कमर हमारा 8.5 इंच है, तो 1 इंच हम बढ़ा के 9.5 इंच में किए हैं, कटिंग किए हैं, और 2 इंच का सिलाई मार्जिन है। तो ये कटिंग तो हम कर लें, इसी तरह हमको नेट वाले फैब्रिक का कटिंग भी कर लेना है। तो ये दोनों का कटिंग मैंने कर लिया है। अब इसमें हम जो हमारा जो अस्तर वाले साटन का फैब्रिक है उसमें अलग डिज़ाइन बनाएंगे, और जो हमारा नेट वाले हैं उसमें अलग डिज़ाइन। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले दोनों को, जो हमारा नेट वाले फैब्रिक है और साटन वाले, दोनों को अलग कर लेंगे। तो हमको ये गले की लंबाई रखनी है 12 इंच में। तो जो हमने ये जो साटन फैब्रिक में बनाएंगे उसकी लंबाई हम 12 इंच रखेंगे, और जो हमको नेट में बनाना है उसकी लंबाई हम 8.5 इंच रखेंगे। और जो हम नेट में बनाएंगे उसकी जो गले की लंबाई, गोलाई का लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 3 इंच में। नीचे की भी चौड़ाई 3 इंच ही रखेंगे। अब यहाँ एक स्क्वायर बना के और गला ड्रा कर लेंगे। इसमें आप राउंड गला या वी गला जो भी आपको चाहिए वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 गला ड्रा कर रही हूँ। अब हम दूसरे गला का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हम नीचे की चौड़ाई रखेंगे 4.5 इंच, 5 भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना आपको खुला चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। और गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच का। तो इसमें हम कटवर्क की इस डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह हमको इसमें कटवर्क का डिजाइन बनाना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम, अब इसी तरह हम जो सेम गला हम बकरम में ड्रा कर लेंगे। तो बकरम भी हमको लेना है 12 इंच की लंबाई का, तो 1 इंच बढ़ा के 13 इंच का लेना है, और 5 इंच चौड़ाई है। तो जो गला हम ये अस्तर वाले फैब्रिक में ड्रा किए हैं सेम गला हम इसमें ड्रा कर लेंगे। तो आप या तो फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अपना फिर से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो गाइस, हमें ये बकरम वाले नेकलाइन काट ली है, इसको अब हम कपड़े से चिपका लेंगे। या तो आप ये सिलाई से भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसमें प्रेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रेस से चिपकाऊंगी। तो इसको हम प्रेस से चिपका लिए हैं, और इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कट कर लिए हैं। अब इसको हम इसके साथ स्टिचिंग कर देंगे।
तो इसके हम चारों तरफ किनारे को सिल लिए हैं। अब इसको हम अस्तर वाले जो फैब्रिक है उसके साथ अटैच करेंगे। तो इसमें अब मैंने कट लगा लिया है और निशान भी बना लिए हैं कि सेंटर। अब इसमें हम जो नेक लाइन बनाए हैं उसका भी सेंटर में कट लगा लेंगे। अब ये तो दोनों जो हम कपड़े में और जो उसमें कट लगाए हैं दोनों को मिलाएंगे। तो नेकलाइन को स्टिच कर लिए हैं, अब इसको कट कर देंगे। तो आधे इंच के मार्जिन छोड़ के इसको कट कर देंगे। तो इसको हम कट कर लिए हैं और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिसमें जब इसको हम सीधा पलटेंगे सीधा करेंगे तो आसानी होगी। अब इसको सीधा कर लेंगे। ज़्यादा फिनिशिंग के लिए आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा ये नेकलाइन का पैटर्न है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इसको इसमें हम प्रेस कर लिए हैं। अब इसके चलो इसमें हम नेकलाइन में स्टिच कर देंगे, जिससे और बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो इसको अब हम स्टिच तो कर लिए हैं, अब जो हमारी नेट वाला फैब्रिक है उसके साथ अटैच करें। तो ध्यान से सिलाई लगाना है कि पूरा हमारा जो दोनों एक साथ अच्छे से अटैच हो। तो आप इसको मशीन से भी सिल सकते हैं और ऐसे हाथ से कच्चा टाका भी कर सकते हैं। तो इसको अब कर लेते हैं स्टिच। तो ये अस्तर और जो नेट वाले फैब्रिक है उसको अटैच कर ली हूँ मैं। अब इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कट कर लेंगे। अब इसके जो हम जो नेट वाले फैब्रिक में जो नेकलाइन डिजाइन करने वाले हैं उसका कटिंग करेंगे। तो अच्छे से सेट कर लेना है, जिसमें आगे पीछे ना हो, पूरे बराबर हो। अब फिर से नेक ड्रा कर सकते हैं, या अगर आपके पास जो आपके बकरा वाला कटिंग है उसको भी रख के आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये नेक ड्रॉ कर लिए हैं, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक इंच की पट्टी काट के इसको स्टिच कर देंगे। एक इंच की पट्टी काट ली है और उसको एक दूसरे के साथ इसको अटैच कर लिए हैं। अब हम जो अपने जो नेक लाइन बनाए हैं, जो नेट में नेक कटिंग किए हैं, उसमें अटैच करेंगे।
तो ये पट्टी अटैच कर लिए हैं हम, और अब ऊपर से एक टॉप की स्टिच कर देंगे। तो इसमें हम टॉप की स्टिच कर लिए हैं, अब इसको हम सिलाई कर देंगे। तो ये हम गले की पट्टी की स्टिच कर लिए हैं, अब हम टक्स की सिलाई लगा लें। तो ये हम दोनों साइड का टक्स की सिलाई लगा लिए हैं, अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये 2 इंच का पट्टी मैं काट के दो पट्टी को एक साथ जोड़ ली हूँ, अब इसको हम अटैच करेंगे। अब इसमें टॉप की स्टिच कर लेंगे। तो ये इसमें हम कमर पट्टी में रफ स्टिच कर सके हैं, बाद में इसमें हम कर लिए हैं, बाद में इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो ये हमारा नेक डिजाइन बन के तैयार हो गया। ये हमारा नेक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।